वेलकम टू ऑल एट माय चैनल बॉलीवुड तड़का, जहाँ लेके आती हूँ आप सबके लिए रिव्यूज मूवी के और बातें करते हैं मूवीज के बारे में। ये तो गोल गोल बातें ना घुमाते सीधा मुद्दे की बात पे आऊँ तो आज रिव्यू देने वाली हूँ मुंबई सागा मूवी का, जिसका इंतजार था काफी महीनों से जो है किया जा रहा था। कहीं ना कहीं बॉलीवुड को बहुत सारी उम्मीदें भी हैं इस मूवी से कि कहीं ना कहीं उनकी जो नैया जो है डूब रही है वो नैया जो है पार लग जाएगी। तो कहानी अगर बात करें तो कहानी आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। मुंबई सागा मूवी अगर नैया पार लगा देती है, कहीं से अगर कमाई कर लेती है मुंबई सागा, तो वो सिर्फ जो है स्टार कास्ट जो है मुंबई सागा मूवी में उसकी वजह से ही वो कमाई कर पाएगी। स्टार कास्ट में हमें बहुत सारे जो है अदाकार जो है देखने को मिलेंगे, जैसे कि इमरान हाशमी, जॉन इब्राहिम, काजल अग्रवाल, सुनील शेट्टी, महेश मांजरेकर, अनमोल गुप्ते और काफी सारी जो है स्टार कास्ट हम कहते हैं बहुत सारी दिग्गज जो है इस मूवी में हमें देखने को मिलेगी। तो मूवी है जो एक्शन मूवी है, एक जैसे कहते हैं ना फिल्म में एक हीरो होता है एक विलन होता है, तो इस मूवी में हमें दोनों ही दो दो हीरो देखने को मिलेंगे। एक जो है अपना जो है लोगों में डर पैदा करके अपना मुंबई में राज जो है किंगडम जो है अपना जो है बनाना चाहता है, वह है जॉन इब्राहिम, जिसने कि जो है बचपन से ही काफी जो है गरीबी देखी है दुख देखे हैं। तो एक दिन वो है जो खलनायक बन जाता है, पर कहीं ना कहीं सॉफ्ट हार्टेड भी जो है दिखाया गया है कहानी में। दूसरा हीरो जैसे कि इमरान हाशमी, वो है पुलिस इंस्पेक्टर, जिनका एक जो है यही अपने जीवन का जो उनका एक मकसद है कि वो जॉन इब्राहिम को एक बार जरूर यहाँ से लाखों के पीछे लेकर जाएं। तो मूवी में सिर्फ और सिर्फ जो है हमें एक्शन देखने को मिलेगा, पर यह जरूर कहूंगी एक्शन जो आपको देखने को मिलेगा वो ओवर द टॉप नहीं है। आप जो है एक्शन देख के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बड़ा चढ़ा के जो किया गया है। तो डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, कहीं कहीं जो जब अगर आप अच्छे से दिमाग लगा के बात करें तो वो डायलॉग्स आपको जो समझ में आएंगे, और जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जो है आपको उन डायलॉग्स में जो है सोचने को मिलेगा। तो राइटिंग की बात करें तो फिर मूवी की राइटिंग है जो बिल्कुल भी सही नहीं की गई, जैसे कि हम देखते हैं जो मूवी में एक जो है डायलॉग है ऐसा कि सीन आता है जहाँ पे काजल अग्रवाल जॉन इब्राहिम को कहती है कि आपके भाई को कुछ लोग हैं जो मार देंगे। तो मार देंगे मतलब उधर उनके भाई को सीधा उन्होंने खाई से नीचे गिरा दिया है। तो यहाँ पे आके थोड़ा लगता है कि कहाँ राइटिंग जो है राइटिंग स्केल बहुत ज्यादा जो है लो है। और म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक डायरेक्ट किया है जी यो यो हनी सिंह ने। तो म्यूजिक जो है आपको बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे जॉन इब्राहिम की बात करें या इमरान हाशमी की बात करें तो उनके पीछे जो बैकग्राउंड में म्यूजिक आपको चलते हुए दिखेगा वो आपके कानों को बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब ये नहीं होगा कि आपको लगे ये कि हाँ नहीं बकवास है, बहुत अच्छा जो म्यूजिक आपको लगेगा सुन के। सो कहानी की बात करें पहले फर्स्ट हाफ में है जो पहला वाला पार्ट इंटरवल से पहले आपको देखने को मिलेगा, उसमें जॉन इब्राहिम का जो है दिखाया गया है इंटरवल के बाद है जो आपको इमरान हाशमी देखने को मिलेंगे। कहानी फर्स्ट हाफ में आपको बहुत अच्छे से अच्छी जो है लगेगी, पर इंटरवल के बाद जैसे ही इमरान हाशमी आएंगे, इमरान हाशमी का मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छी जो है एक्टिंग की है, पर कहीं ना कहीं जैसे जैसे इमरान हाशमी के आने के बाद है जो कहानी है आपको देखने को मिलेगी वो लो 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 ही होती जाएगी। सो कहानी की बात करें, कहानी
अगर बात करें, राइटिंग की बात करें, तो जो मूवी बिल्कुल भी हम कहेंगे चलेगी नहीं, पर स्टार कास्ट इतने अच्छे हैं, उन्होंने जो एक्ट किया है अपने अपने रोल में जो है पूरा अच्छे से निभाया है, वो जो है जो देखने को मजा आता है। और मूवी में डायरेक्शन की थोड़ी कमी लगी, क्योंकि जहाँ जहाँ जॉन इब्राहिम उसके जो है साथी कलाकारों के साथ दिखाई देते हैं, तो जैसे कि कोई फाइटिंग सीन है तो उसमें है जो जॉन इब्राहिम और उनके साथ जो उनके बाकी पीछे साथी खड़े हैं उनके बीच में है जो कनेक्शन है जो जो आपस में दिखना चाहिए वो नहीं दिखाई देता, और जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो दिखाई नहीं देती। और बात करें अगर हाँ एक्शन सीन बहुत अच्छे से जो है एक्ट किए गए हैं, और जॉन इब्राहिम और इमरान हाशमी जहाँ तक स्क्रीन पे दोनों इकट्ठे आते हैं उनका जो आमना सामना दिखाया गया है दोनों इकट्ठे आते हैं जब, बहुत ही अच्छा वो डायरेक्ट किया गया है सीन। और मैं ये कहूंगी कि अगर फिल्म को मैं रेट करूं तो रेट जो है मूवी को मैं 3.5 करूंगी। अगर आप मूवी में कोई स्टोरी देखना चाहते हो तो आपके लिए ये मूवी बिल्कुल नहीं है, पर अगर आप एक्शन के दीवाने हो तो बिल्कुल आप जो है मूवी देखने जा सकते हो, बिल्कुल अच्छी लगेगी आपको मूवी। और ऐसे ही रिव्यू लेके आऊंगी मैं आगे भी। तो चलती हूँ, टिल देन टेक केयर, बाय।